भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवपुरी नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने शहर में फैली सफाई अव्यवस्थाओं व विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को शहर की सड़कों पर खुद झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया। नगर पालिका शिवपुरी में नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा और कांग्रेस पार्षदों ने शुक्रवार को फतेहपुर क्षेत्र से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जब तक सफाई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती और समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक कांग्रेसी पार्षद सभी 39 वार्डो में झाड़ू लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कारण है कि आज कांग्रेसी पार्षदों को यहाँ सड़क पर उतर के सफाई करनी पड़ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय और सीएमओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सब कागजी कार्रवाई में लिख दिया गया है कि 10 स्वीपर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। सारे वार्ड के लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं, हमको ये जानने के मतलब हमको ऐसा करना पड़ेगा और आज भी हम रोज करेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाएगी। तो क्या ये सभी पार्षद सभी वार्डों में जारी रहेगी या सिर्फ कांग्रेसी? सभी वार्डों में हम करेंगे, कांग्रेसी मिलकर करेंगे, 39 वार्डों में करेंगे, पूरे 39 वार्डों में करेंगे हम। तो क्या इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की क्यों जरूरत पड़ गई है? तो सुनवाई तो हमारी बात वहाँ पे पहुँचेगी, ऐसा करना हमारी एक जरूरत बन गई है, तो हम क्या जवाब देंगे? नगर पालिका में सभी पार्षद हैं, आप मेजोरिटी में हैं, आपकी सीएमओ के साथ और अध्यक्ष के साथ भी बैठकें हुई हैं, तो उसके बावजूद भी क्या निराकरण नहीं निकल पा रहे हैं? हाल ही में मीटिंग भी हुई, उन्होंने बोला पर्चियां सिस्टम डाला, ये 10 मिलेंगे, पर वो सब दिखावा है, हकीकत में सब कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम 4 कर्मचारी दोगे तो कहां साफ सफाई होगी? आप बताओ, 52 की वोटिंग है, फतेहपुर जिन नंबर वार्ड है इसकी कितनी जनसंख्या है, कितना बड़ा आबादी वाला वार्ड है, इसमें 10-8 कर्मचारी क्या करेंगे? मेरे वार्ड में खुद में वार्ड में छत्तीस अभी हाल ही में आपके वार्ड की महिलाएं पहुंची थी, आपने भी सीएमओ के सामने बात रखी थी, तो सीएमओ ने आपको आश्वस्त किया था कि 1-2 दिन में आपको कर्मचारी मिल जाएंगे? कोई कार्रवाई नहीं की गई, आश्वासन देके मुझे हरिया गया था वहां से कि आगे तुम्हारी पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, साफ सफाई की जाएगी, पर अभी जैसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन नाले की टीम भेजी थी, वो भी सुबह भेजी, शाम को वापस कर दी थी। साफ सफाई कर्मी 4 झाड़ू वाली हैं, 4 झाड़ू वाली 48 की वोटिंग में क्या कर पाएंगे आप बताओ जी। एक चीज और आ रही है वहाँ पर, नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच विवाद चल रहा है फाइलों को लेकर, विकास को लेकर, भुगतान को लेकर, तो किस तरह का ये विकास है, क्या समेटने का नाम नहीं है? ये है कि विवाद अगर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच चल रहा है तो उसमें पार्षदों की क्या गलती है, जनता की क्या गलती है? जनता को साफ सफाई चाहिए और साफ सफाई के मामले पूरे 39 वार्डो का ढर्रा बिगड़ा हुआ है, जिसके लिए उनको कुछ करना चाहिए। जब वो कुछ नहीं कर रहे तो हम लोगों को नीचे उतरना पड़ा जमीन। अब ये अभियान कब तक चलेगा आप लोगों का? कंटिन्यू चलेगा, सारे 39 वार्डों में चलेगा, बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, पूरी जनता के लिए हम ये काम करेंगे, सभी जनता के लिए इस तरह का चलेगा।